हाय एवरीवन, मैं हूँ लवली। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लवली किचन में। आज मैं आपको सर्दियों में खाया जाने वाला हरे लहसुन का अचार बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही इजी है और इसे कई जगह पे लहसुन सग्गा कहा जाता है। ये जितना टेस्टी लगता है उतना ही हेल्दी भी होता है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हरे लहसुन का अचार बनाना। हरे लहसुन का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हरा लहसुन और इसे अच्छे से धोकर छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। इसके लिए चाहिए हरी मिर्च, अदरक, इन सबको धोकर मैंने छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का तेल, स्वाद के अनुसार नमक, अजवाइन, कलौंजी यानी कि मंगरेला, हींग, आमचूर पाउडर। तो चलिए हरे लहसुन का अचार बनाते हैं। हरे लहसुन का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो हरा लहसुन और सारे हरे लहसुन के जड़ को मैंने काट दिया है और इसके जितने पीले पत्ते हैं उसको भी निकाल दिया है मैंने। तो चलिए इसे अच्छे से धोकर छोटे टुकड़े में कट कर लेते हैं। उसके बाद हरे लहसुन को तेज धूप में सुखाना है ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। हरे लहसुन का अचार बनाने के लिए मैंने हरे लहसुन को, अदरक और हरी मिर्च को छोटे टुकड़े में कट करके इसे अच्छे से धूप में सुखा लिया है। इस तरीके से अचार लंबे समय तक चलता है। तो चलिए हरे लहसुन का अचार बनाना शुरू करते हैं। हरे लहसुन को मैंने धोकर छोटे टुकड़े में कट कर लिया है और इसे तेज धूप में सुखा लिया है ताकि बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे। और हरी मिर्च और अदरक, इन दोनों को अच्छे से धोकर मैंने छोटे टुकड़े में कट कर लिया है और इसे भी धूप में सुखा लिया ताकि बिल्कुल भी पानी ना रहे इसमें। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ओखली यानी कि इमाम दस्ता और इसे अच्छे से पोंछ लिया है मैंने। अगर ओखली ना हो तो आप मिक्सी में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ओखली में बनाने से इस अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके हरा लहसुन डाल देते हैं। अब इसे इस तरीके से कूटना है। इस तरीके से कूटने में थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन ये अचार बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने इसे थोड़ा सा कूट लिया है। अब इसी तरह थोड़ा थोड़ा लहसुन डाल के इसे कूट लेंगे। तो देखिए हरे लहसुन की क्वांटिटी कम होती जा रही है, तो अब सारा लहसुन डाल के कूट लेंगे। तो देखिए हरे लहसुन की क्वांटिटी कम हो गई है कूटते हुए। तो अब इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, अदरक। और इसे भी कूट लेते हैं अच्छे से। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से इसे कूटना है। अब इसे इस तरीके से नीचे से अच्छे से मिला लेते हैं ताकि अदरक, हरी मिर्च और लहसुन अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसे कूट लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से कूट लिया है। अब इस तरीके से लहसुन को निकाल लेंगे एक प्लेट में। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसे इस तरीके से दरदरा कूट सकते हैं। तो देखिए ओखली में से मैंने सारा लहसुन निकाल लिया है। लहसुन परफेक्ट दरदरा कूट कर तैयार हुआ है। अचार बनाने के लिए लहसुन को बड़े बाउल या बड़े प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी सरसों का तेल। अब डाल देते हैं हींग और 2 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर। अब डाल देते हैं अजवाइन और कलौंजी। इसके बाद स्वाद के अनुसार नमक, मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच नमक लिया है।
अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मैंने लहसुन और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हरे लहसुन का अचार बनकर तैयार है। अचार को रखने के लिए मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, आप चाहे तो कांच का कंटेनर ले सकते हैं। और इसे अच्छे से धोकर पोंछ लिया है मैंने। अब अचार को इस कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए मैंने सारा अचार इस कंटेनर में शिफ्ट कर लिया है और हरे लहसुन का अचार बनकर तैयार है। तो देखिए कितना बढ़िया हरे लहसुन का अचार बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो इस अचार को तुरंत खा सकते हैं, लेकिन इस अचार को एक दो दिन धूप लगाने के बाद खाइए, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। और अगर इस अचार को आप लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इस अचार को बीच बीच में धूप लगाते रहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने कितनी आसानी से हरे लहसुन का अचार बनाया है, इसी तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को हरे लहसुन के अचार की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।